तो गाइस आप देख सकते हो बारिश मजबूत हो रही है। पार्सल उठाया हो गाइस, ये है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। सो गाइस अभी मैं हीरानंदानी में हूँ, मतलब पवई साइड में हूँ। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। आज है सैटरडे का दिन और फील्ड पे हम लोग निकल चुके हैं। कुछ टाइम भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, 11 बज रहा है। फर्स्ट ट्रिप अपने को लग गई, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक की और कितने रुपये की। सो गाइस 11:16 हो रहा है और ये ट्रिप है 268 की और कस्टमर से सिर्फ मुझे 5 रुपया लेना है। बाकी का जो है वो पेड है या डिस्काउंट है, जो भी है आई डोंट नो, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। कस्टमर ने मुझे ये ट्रिप का सिर्फ 5 रुपया दिया है, जो कि मुझे इसको कांदिवली लेके जाना है। और पिकअप जो था वो असलफा था साकिना का और ड्रॉप जो इसका कांदिवली है। ट्रिप को स्टार्ट कर दिया हूँ, देखते हैं यहाँ से हम लोग कांदिवली का दूर कितना है। 17 किलोमीटर दूर है, 46 मिनट का रास्ता है गाइस। तो फटाफट चलते हैं और करते हैं ये ट्रिप को फटाफट से कंप्लीट। तो गाइस अभी मैं कांदिवली में पहुंच गया हूँ और अपना जो पार्सल है वो अपने हाथ में ही है। फटाफट चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाना है, पार्सल देखे फिर मैं आपको मिलता हूँ। पार्सल मेरा जो था वो मैंने यहाँ पे डिलीवर किया हूँ और ट्रिप को भी मैंने एंड कर दिया हूँ। देखते हैं अभी कोई नई ट्रिप आएगी तो मैं आपको बताता हूँ। पार्सल उठाया हो गाइस, ये है, पता नहीं इसके अंदर क्या है, पैकिंग है एकदम। और ये पार्सल जो मैंने उठाया हूँ मलाड़ से, इसको लेके जाना है अपने को JB नगर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर है, 25 मिनट का रास्ता है गाइस। फटाफट चलते हैं, अभी फ़िलहाल मैं हूँ मलाड़ में, फटाफट चलते हैं, करते हैं ट्रिप को ड्रॉप। तो गाइस अभी मैं JB नगर में हूँ और अपना जो पार्सल था वो पीछे मैंने डिलीवर किया और अभी नेक्स्ट ट्रिप का वेट करते हैं। बारिश भी मजबूत हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो बारिश मजबूत हो रही है, तो गाड़ी भी अपनी यहाँ खड़ी हुई है, वेट करते हैं हम लोग, कोई अच्छी ट्रिप आएगी तो उनकी मुझे। सो गाइस 1:20 हो रहा है, 291 की अपने को एक ट्रिप आई है और ये है महाकाली से है, मतलब अंधेरी से इसको लेके जाना है अपने को लोअर पर, जो कि पिकअप लोकेशन यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर दूर है, 8 मिनट का रास्ता है। और कस्टमर को मैंने पूछा गाइस कि क्या लेके जाना है, सामान क्या है, तो कस्टमर बोलता है कोई सामान नहीं है आपको, ना मुझे ही लेके जाना है। मैंने बोला पैसेंजर लोग के लिए तो अलाउड नहीं है, बट आप 50 रुपया मुझे एक्स्ट्रा दो तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो कस्टमर थोड़ा सोचा और फिर बोला ठीक है चलो आप आ जाओ, मैं आपको दे देता हूँ 50 रुपया। मैंने ज़्यादा नहीं मांगा, 50 रुपये ही मांगा, तो 50 रुपया एक्स्ट्रा ये ट्रिप का अपने को मिला है। फटाफट चलते पिकअप करते और उसके बाद मैं आपको सीधा ड्रॉप लोकेशन पर मिलता हूँ। कि पिकअप लोकेशन का आपको तो मैं बता नहीं पाऊँगा कि कौन है आदमी, क्या है क्या नहीं। ठीक है चलते हैं फटाफट और करते हैं पिकअप और उसके बाद ड्रॉप करके आपको मिलता हूँ। तो गाइज अभी करंटली मैं लोअर परेल में हूँ और अपना जो पार्सल था, पार्सल नहीं बोलेंगे कस्टमर था, वो पीछे बिठा के लाया था, जस्ट मैंने उसको ड्रॉप किया हूँ यहाँ पे। एक्चुअली इसकी कोई बाइक है इधर, तो यहाँ से उसको लेके जाना है, तो उसको जस्ट मैंने ड्रॉप किया हूँ, उसने पेमेंट भी हो गया है, ट्रिप को मैंने एंड कर दिया हूँ। जैसी नई ट्रिप आती है मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल मैं अभी हूँ लोअर परेल में, जैसे कि आप रूट मॉल देख रहे हो उसके साइड में। ठीक है जो भी ट्रिप आती है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो ये लोअर परेल वाली ट्रिप जस्ट मैंने कंप्लीट किया कि नहीं, 2:24 हो रहा है और 263 का अपने को एक ट्रिप आ भी गया है। कंपनी ने ये ट्रिप के लिए अपने को 3500 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। लोअर परेल से पिकअप है और इसका जो ड्रॉप है वो है मरोल साइड में, साकिना का साइड में, जहाँ से मतलब हम लोग आए थे वहाँ का ही है। पिकअप लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा है, बट और भी ये नज़दीक है क्योंकि यहाँ से घुमा के दिखा रहा है। हम लोग यहीं से मार के हम लोग निकलने वाले, कस्टमर से भी एक बार बात कर लेता हूँ। हेलो, आप पोटर से बात कर रहे हो सर? ये लोअर परेल से साकिना का लेके जाना है ना पार्सल, और सामान क्या है, वेट क्या रहेगा उसका? 12 किलो। ठीक है चलो मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, 5 मिनट में। ये फिनिक्स मॉल के उधर ही हूँ मैं, कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर बोल रहा है 10-12 किलो वेट है उसका, मतलब वो जो बॉक्स का, पहले तो बोलता है छोटा बॉक्स है, फिर मैंने पूछा छोटा तो मतलब छोटा तो छोटा होता है, बट मैंने पूछा वेट क्या है, तो बोलता है 10-12 किलो का जो सामान होता है वो छोटा बॉक्स नहीं होता है गाइस, ये सब तो बोलने की बातें होती है छोटा बॉक्स से करके। ठीक है चलते फटाफट और पिकअप करते हैं और उसके बाद में निकलेंगे साकिना का मरोल। गाइस 263 की जो ट्रिप आई थी अपने को, जो कि लोअर परेल से साकिना का थी, वो मैंने पिकअप उठा लिया हूँ गाइस, ये छोटा सा एक बॉक्स है। और ये जो 263 रुपीज़ का जो ट्रिप है, एक्चुअली कस्टमर से एक मिस्टेक हो गया था, जैसे कि इसने क्या लिखा है मरोल चिमनपाड़ा, और इसको लेके जाना है अपने को साकिना का, जो कि वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। तो कस्टमर को बोला कि मल्टीपल ऐड मत कर, एक काम कर वही पैसा तू मुझे दे दे। तो कस्टमर से 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लिया मैंने, क्योंकि अगर वो मल्टीपल भी ऐड करता तो उसको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगता ही था, तो मैंने बोला वो ऐड मत कर, एक काम कर मुझे ही दे दे वो 50 रुपया, मैं डायरेक्ट लेके चले जाता हूँ फिर जो लोकेशन पे। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं आप लेके चले जाओ, फटाफट लेते और निकलते।
तो गाइज अभी मैं साकीनागा पहुंच गया हूँ और अपना जो पार्सल था वो तो मैंने डिलीवर कर दिया हूँ और ट्रिप को भी फटाफट एंड कर देते, पेमेंट भी अपनी मिल गई इसकी। तो गाइज 263 रुपीस था, मैंने कस्टमर से 314 रुपया लिया हूँ। ट्रिप को डन करते हैं बिकॉज उसका जो लोकेशन था वो रॉन्ग था, ऑफलाइन कर देता हूँ गाइज। अभी यहाँ से थोड़ा मेरी अर्निंग चेक कर लेते कितनी हो गई है। 850 रुपया ये हो गया है, 50 रुपया जो एक्स्ट्रा लिया था वो 900 ये हो गया, और एक कस्टमर से 50 रुपया और लिया था, 950 के आसपास में आज की अपनी अर्निंग हो गई है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा मेरी 950 के आसपास में अपनी अर्निंग हो गई है और मैं अभी नियर बाय भी हूँ, बारिश भी बहुत मजबूत लग रही है बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल जाऊँ अपने घर के लिए। ठीक है, बाजू में घर, अभी क्या है 4:30 बजने वाला है। अगर मैं अभी यहाँ से कहीं और निकला कोई बड़ी ट्रिप पे तो फिर मुश्किल हो जाएगा रिटर्न आना, तो ये सोच रहा हूँ मैं गाइस। देखते जो भी रहेगा मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट में। 4:34 हो रहा है और 172 का अपने को एक ट्रिप आया है जो कि मरोल से पिकअप है, और अभी फ़िलहाल मैं एक इंडस्ट्री में हूँ साकीनागा में, तो यहाँ से पिकअप है और ड्रॉप जो इसका बैंड्रा है, बैंड्रा वेस्ट है, मतलब पिकअप लोकेशन भी ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर गाइस, मैंने भी ज़्यादा ही कुछ बोल दिया था। फटाफट चलते गाइस और पिकअप करते हैं। कस्टमर से मैंने बात भी कर लिया हूँ, क्या है सामान कुछ कपड़ा है छोटा सा, मतलब 1-2 किलो के आसपास का रहेगा, तो फटाफट चलते करते हैं पिकअप और उसके बाद निकलेंगे। सो गाइस जो 172 रुपीज़ की जो ट्रिप है जो कि मरोल से पिकअप था और ड्रॉप जो इसका बैंड्रा वेस्ट है, तो मैंने उसको पिकअप उठा लिया हूँ। ये कुछ कपड़ा है इसके अंदर, इसको लेके जाना है अपने को बैंड्रा, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 9.8 किलोमीटर दूर है, 33 मिनट का रास्ता है। फटाफट चलते हैं गाइस, अभी फ़िलहाल मैं हूँ मरोल में, एयरपोर्ट वाले रास्ते पे हूँ, फटाफट चलते हैं करते हैं ट्रिप को कंप्लीट। और सोच रहा हूँ मैं वीकफास्ट में अगर कोई ऑर्डर मिलता है अपने को बैंड्रा वेस्ट का तो उसको भी उठाएंगे अपन, नहीं तो फिर निकल जाएंगे फटाफट। ये विले पार्ले ईस्ट है, विले पार्ले वेस्ट है, सो गाइस कुछ नहीं है, फटाफट निकलते हैं हम लोग, यही वाली ट्रिप को कंप्लीट करते हैं फटफट बैंड्रा की, और उसके बाद देखेंगे हम लोग को रिटर्न आने का कुछ तो भी फटाफट इंतजाम करेंगे। पार्सल उठाया हूँ गाइस, वो वाला जो पुराना वाला पार्सल डिलीवर करके, 235 रुपये का है, सांता क्रूज से पिकअप है और ड्रॉप जो इसका विक्रोली है। पार्सल मैंने उठा लिया हूँ, ये कुछ दवाई है और इसको उठाया हूँ मैं यहाँ से, और इसके अलावा भी मैंने एक और पार्सल उठाया हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हो ये बैंड्रा से पिकअप किया हूँ और इसको पवई देना है, ये है इसके अंदर कोट पैंट या जो भी है कपड़े का है कुछ तो भी आइटम, तो 2 पार्सल फ़िलहाल मैं अभी उठाया हूँ, और अभी कोई और पार्सल लेने के मैं मूड में हूँ नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है मेरा, तो निकल जाते हैं हम लोग फटाफट। देखो ये भी चांदी वली का ऑर्डर है साकी विहार, लेकिन इसको ईस्ट में जाना पड़ेगा और अभी फ़िलहाल मैं हूँ वेस्ट साइड में, तो अभी मेरे को कोई और उठाना नहीं है, निकल जाते हैं हम लोग फटफट यही दोनों पार्सल लेके। सो गाइस अभी मैं हीरानंदानी में हूँ, मतलब पवई साइड में हूँ, और अपना जो वो कपड़े का जो पार्सल था वो तो मैंने डिलीवर कर दिया हूँ कस्टमर को, बट उसके वहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम था, नेटवर्क एरर था, तो पेमेंट तो आया नहीं, 400 रुपये की ट्रिप है, तो कस्टमर ने बोला है कि बाद में भेजती हो, प्रोसेसिंग में दिखा रहा है फेल हुआ नहीं है, तो मैंने बोला चल ठीक है, उसका नंबर ले लिया, बाद में उसको कॉल करके हम लोग पैसा ले लेंगे। एक और जो पार्सल है वो विक्रोली देना है, तो फटाफट चलते हैं और वो वाला पार्सल क्लोज करके आते हैं। सो गाइज 8 बज गया है और अपनी जो जितनी भी ट्रिप थी सब मैंने कंप्लीट कर दिया, फटाफट से आपको अपनी अर्निंग शो करता हूँ, उसके बाद निकलते हैं हम लोग घर के लिए। सो गाइज टाइम हो रहा है 8:13 और पोर्टर में हम लोगों ने आज 6 ट्रिप मारा, 9 घंटा ऑनलाइन थे, 1187 की अर्निंग अपनी पोर्टर में हुई है, और वी फास्ट में हम लोगों ने एक ट्रिप मारा था जो कि 157 की है, एक ही ट्रिप मारा, ज़्यादा ट्रिप नहीं मारा, 157 की, तो टोटल मिला के हो गया 1187 प्लस 157। और आप सोच रहे होंगे ये 50 रुपये क्या है, एक कस्टमर से मैंने 50 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया था ये उसका है जो लोकेशन गलत था उसका, तो 1394 मतलब 1400 रुपये के आसपास में हम लोग आज अपनी अर्निंग हो गई है। सो गाइस अपनी अर्निंग आप लोगों ने देख ही लिया है, तो 1400 के आसपास में आज अपनी अर्निंग हुई है, बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने इतना आज काम किया है और इतना अर्निंग किया है। तो वीडियो को भी मैं यहीं एंड करता हूँ, वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगार आफत आता है मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा उसको भी दबा देना,
फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डांसू वीडियो के साथ में। जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल, और हाँ, दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। ऑलवेज एक नंबर।